जी का स्वागत है। और आनंद जी मुंबई में है तो शशि जी भी पीछे पीछे आएंगे, इसलिए उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उनका भी आना जाना बढ़ते रहेगा। तो इसी तरह एक अच्छा प्रोग्राम हरदम बनते रहेगा, शायद हर महीने, जैसे हर दो महीने में सेलिब्रेशन होगा तो मैक्सिमम कुछ और होगा, इस तरह चलेगा। अभी सबसे पहली चीज समझनी है कि इंसान एक छोटा बच्चा, अभी कई बच्चे यहाँ पर है, धीरे धीरे ये स्कूल में जाते हैं, सपने देखते हैं और धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जब टीन एज में बच्चा प्रवेश करता है 13 साल के बाद, 15, 16, 17, 18, तब बड़े सपने शुरू होते हैं। हर बच्चे को लगता है कि पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। तो बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत बड़े बड़े सपने हर कोई देखता है। यहाँ बैठे हुए बहुत लोगों ने भी देखे होंगे। और ऐसा करते करते जिंदगी की दौड़ में पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद तीन ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन है नौकरी, नौकरी नहीं करनी थी फिर भी करी, पहला ऑप्शन। दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं और प्रोफेशन डॉक्टर, वकील, सीए, यही ऑप्शन चुनते हैं। और पता चलता है जिंदगी की दौड़ में कि जिंदगी इतनी कठिन है कि सपने तो दूर की बात है, जिंदगी की जरूरत पूरी करनी कठिन हो रही है। तो मुश्किल से जिंदगी की जरूरत पूरी करते करते इंसान जरूरत की जिंदगी जीने लगता है और अपने सारे सपने भूल जाता है, एक दिन दफन कर देता है कि ये मुझसे नहीं होगा, और वहां जिंदगी उसकी वही हो जाती है जैसे एक इंसान सरकारी नौकर बन गया, फिर से आप मेरी जिंदगी पूरी, दुकान पर बैठ गया मेरी जिंदगी पूरी, डॉक्टर बन गया, क्लिनिक पर बैठ गया जिंदगी पूरी। यही जिंदगी का दौर सबके साथ होता है। और इन्हीं में से कुछ लोग अगर कामयाब हो गए, कुछ लोग कामयाब हो गए, तो कामयाबी की परिभाषा पूरे दुनिया में एक ही है, मनी इज इक्वल टू सक्सेस, सही बात है। फिर भी वो कामयाबी नहीं है, क्योंकि पैसे वाले आपको अगल बगल में बहुत मिलेंगे, पैसे वाले अगल बगल में बहुत मिलेंगे, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। पैसा बहुत है, इंडिया के बाहर कभी गए नहीं, इंडिया के बाहर दूसरी बात है, इंडिया तक घूमे नहीं है। रियल कामयाबी तब मानी जाती है इंसान के पास खूब पैसा होना चाहिए, खूब वक्त होना चाहिए। मनी इज इक्वल टू सक्सेस बट टाइम इज इक्वल टू लाइफ। आप पैदा होके जब तक जिंदा रहने वाले हैं वो है वक्त। अगर आपके जिंदगी का सारा वक्त ये कागज कमाने में निकल जाएगा तो जियोगे कब? टाइम मतलब लाइफ, लाइफ मतलब टाइम, और इसका लाइफ का रियल मतलब है मरने से पहले 222 कंट्री में से कम से कम 20 कंट्री तो घूमो। मरने से पहले एक आलीशान घर में रहो, मरने से पहले अच्छी गाड़ियों में घूमो, मरने से पहले 5 स्टार की लाइफ जियो। जब मर्जी आए काम करो, जब मर्जी आए काम मत करो, जब मूवी जाना है मूवी जाओ, जब सोना है चद्दर ओढ़ के सो जाओ, कोई जगह नहीं। ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये इस दरवाजे के बाहर पूरा नहीं होता है, क्योंकि जब से इस पृथ्वी पे बिजनेस की शुरुआत हुई थी, ध्यान दीजिएगा बात पे, सबसे पहले था बार्टर एक्सचेंज, यानी कि सामान की अदला बदली। कुम्हार ने मटका दिया, किसान ने अनाज दिया, ये दुनिया का पहला बिजनेस मॉडल था। उसके बाद तरक्की हुई, बहुत कुछ हुआ, तो दुनिया का दूसरा बिजनेस मॉडल आया, पैसे से लेन देन होने लगी। वही पैसे से लेन देन वाला बिजनेस ईमेल, जीमेल, हॉटमेल, न्यूज सब में आ गया, बराबर है, दूसरा तरीका। लेकिन तीसरा एक तरीका आया, फ्रेंचाइजी बिजनेस, बाटा वगैरह, बाटा है, मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड वाला ही कामयाब होता है। अब हमें चाहिए, ये सारे बिजनेस में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ पैसा मिलेगा। कामयाबी का मतलब है टाइम एंड पैसा दोनों होना चाहिए। कामयाबी का मतलब है टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, मर्जी के मालिक। तो इसके लिए दुनिया का एक मॉडल आया है, वो है चौथा मॉडल दुनिया का, उस मॉडल का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग।
इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करो एक बार, पैसा लो बार बार, काम करो कुछ साल, पैसा आते रहे जिंदगी भर, सही है कि नहीं? तो इस बिजनेस में मन लगाकर, दिल लगाकर, जैसा आप लाइन कहते हैं वैसा ही काम 5 साल किया, काम मतलब काम, सुनना मतलब 100% सुनना अपलाइन का, 5 साल अगर आपने किया तो आपको 5 साल के बाद जिंदगी में कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं अभी कुछ भी नहीं करता हूँ, 100% रिटायर हूँ, और ऐसे यहाँ कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं। मैं मर्जी में कहाँ जाऊं, घूमू फिरू, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन 5 साल हमने कितना काम किया, पूरे हिंदुस्तान घूम लिया, महीने में 15 दिन 20 दिन बाहर ट्रैवलिंग, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां गया नहीं, इंडिया के अंदर, यूपी बोलो, गुजरात बोलो, महाराष्ट्र बोलो, जहां हर जगह जाकर टीम को डेवलप किया। एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक ही चीज ध्यान रखनी है, आज के समय में बीमार गिरने के बाद कोई आदमी कभी ठीक होता ही नहीं है, उसकी फाइल बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, फाइल कभी बंद नहीं होती है जब तक वो मर नहीं जाता है। और आज दुनिया में जरूरत है इंसान को बीमार नहीं गिरने के साइंस की, तो स्वामी का जो साइंस है मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी, पृथ्वी का दूसरा साइंस है ये, पहला साइंस एलोपैथी आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन दवा, और दूसरा साइंस है स्वामी का मॉलिक्यूल जो है आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन, ओनली इंसान को हेल्दी रखता है ये साइंस, हेल्दी आदमी को हेल्दी रखता है, बीमार आदमी को धीरे 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 हेल्थ की तरफ लाता है। तो अंग्रेजी दवाई कम होते जाती है, काफी लोगों की छूट भी जाती है, जिंदगी भर दवाई खानी है, लगातार 3 साल खा के देखो, उसके बाद कभी छोड़ोगे नहीं बीमार के लिए। अच्छे आदमी 3 महीने 4 महीने में कायाकल्प, 9 महीने में नया जन्म। अगर इतनी अच्छी चीज हमारे हाथ में है तो आप मैक्सिमम लोगों को ये बताते जाइए, जितनी टीम बढ़ती जाएगी कौन कहां क्या क्या करता है पता भी नहीं चलेगा। आपने जिसको बताया, उसने जिसको बताया, उसने जिसको बताया, किसने भी किसको बताया, आपका कनेक्शन आ गया, आपके घर में हिंदुस्तान के कोने कोने से पैसा आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, क्या है, समय बहुत कीमती है। अभी भी किसी ने कहा था समय, सभी ब्रह्मांड में समय बहुत कीमती है, समय फिसलता है रेत की तरह, हाथ में रेत पकड़ लो फिसल जाएगी ना, समय फिसलता है रेत की तरह, हम उसे संभालना भूल जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में बहुत खास होते हैं, उन्हें हम स्वामी बताना भूल जाते हैं। यहां पर किसी को भी बताने से भूलना नहीं है, जितने भी पहचान वाले बताइए, पता है कितने लोगों को बताने से कामयाबी मिलती है, मैं कहता हूं सिर्फ 12 लोग, हर महीने एक लाइए, पूरे जिंदगी में 12 लोग लाने के बाद आपको काम नहीं करना पड़ेगा, दिले की मानता नहीं ना, तो चलिए आप इस महीने में जुड़ जाओ, नेक्स्ट मंथ एक को लाइए, 2 हो गए, नेक्स्ट मंथ आप भी एक लाओगे, वो भी एक लाओगे, 4 हो गए, 8 हो गए, 12 महीने में 4096 लोग होते हैं, 4096 लोग होते हैं, आप हो गए रिटायर, आपके नीचे वाला एक लेवल आगे जाने पे रिटायर, उसके नीचे वाला एक लेवल आगे जाने पे रिटायर, आपको हर हफ्ते 1,30,000 आने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि महीने में 5,20,000 निश्चित है, लेकिन 5,20,000 कमाने के लिए इस बिजनेस में नहीं आए, हर महीने करोड़ों रुपया आ सकता है। वही लोग अगर रेगुलर हर महीने प्रोडक्ट खाएंगे और 12 के मल्टीप्लीकेशन में 6 लेवल गए, सभी लोग 2,000 का प्रोडक्ट खाएंगे, आपका चेक बनेगा हर महीने 8,40,00,000 रुपया आपके घर में आएगा, 8,40,85,331 रुपया आपके अकाउंट में हर महीने आ सकता है। खाली एक ही चीज ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे रईस आदमी बिल गेट है, जिसके विंडो की जरूरत पृथ्वी के 7% लोगों को है, तो दुनिया का सबसे रईस आदमी है। हमारी इस मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी की जरूरत पृथ्वी के 700 करोड़ लोगों की है,
अगर उसमें से 7% लोगों तक आप पहुंचा दो तो बिल गेट का फोन आएगा आपको, छोटे भाई बड़ा नाम सुना था, चलो एक बार चाय नाश्ता हो जाए। आपको पता है ये काम कितना बड़ा है? अगर आपके बिल्डिंग का कोई थोड़ा सा अमीर आदमी है, थोड़ी सी चलने की स्टाइल उसकी ठीक नहीं है ना, हवा आने दे, क्योंकि आपकी कंपटीशन उसके साथ नहीं है, आपकी कंपटीशन आपके एरिया के रईस के साथ नहीं है, आपकी कंपटीशन बंबई के रईस के साथ नहीं है, आपकी कंपटीशन दुनिया के रईस के साथ है, जिसका नाम बिल गेट है। यही बिल गेट, इसकी नींद उड़ गई एक दिन, नींद तो अच्छो अच्छो की उड़ जाती है, आपकी नहीं उड़ेगी। यही बिल गेट की नींद उड़ गई, एक दिन उसको ख्याल आया कि काश मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता तो मैं क्या करता। गूगल में देखिएगा, उन्होंने खुद ट्वीट किया हुआ इसका जवाब, ट्विटर में भी देखना उनके। बिल गेट ने कहा, अगर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता तो मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग करता। तो मैंने देखा, क्या मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट है? नहीं। क्या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है? नहीं। तो आपको और हमको क्या करना चाहिए? मल्टी लेवल मार्केटिंग। थैंक यू।